नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्लासी मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कल यानी कि एक्सपायरी के दिन हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या लेवल रहना चाहिए और क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, आप जल्दी से जाइए। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैं हर दिन लेवल देता हूं और एक्यूरेसी 90% रहता है। जब जब लेवल सस्टेन होता है, बहुत स्मूथली 200-300 पॉइंट मिल जाता है। तो यार इसके लिए प्लीज यार आज वीडियो को लाइक तो बनता है एंड एक अच्छा वाला कमेंट भी बनता है, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हो मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, डेफिनेटली मैं सबको रिप्लाई भी देता हूं। तो प्लीज यार आज कमेंट हो जाए, लाइक हो जाए कैसा लगता है मेरे लेवल। जैसे कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के साइड में आ रहा होगा, फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैंने क्लियरली बता दिया था, कल रात ही मैंने बैंक निफ्टी का प्रॉपर लेवल दे दिया था, इसलिए बोल रहा हूं जाके ज्वाइन कर लीजिए। पूरे पॉइंट टू पॉइंट लेवल का रात अपडेट कर दिया था। आज आप सुबह देख सकते हो जैसे ही मार्केट ओपन होने से पहले मैं बता दिया था 35,200 का लेवल अगर ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तो बाय करना बोल का। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली, देखिए जैसे 35,200 लेवल को ब्रेक किया, देन सस्टेन किया और सीधे स्मूथली 200 पॉइंट से ऊपर पॉइंट हमें बहुत स्मूथली मिल गया, इसीलिए तो यार लाइक बनता है, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट भी किया है। उसके बाद आप देख सकते हो फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैंने सेलिंग का भी लेवल दिया, 1:12 पे आई थिंक दिया था, और आप देख सकते हो एग्जैक्टली इस टाइम पे मैंने दिया था और एक ही झटके में कितना पॉइंट दे दिया और बाद में रिवर्स मारा, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, फिर अगेन नीचे चलाया। तो इतना सब कुछ अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल की बात करें उसका स्क्रीनशॉट आपके साइड में आ रहा होगा, वहां पे डाटा व्यू प्रॉपर हमने एनालिसिस किया था कि हाँ आज मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि रिटेलर जो है वही फंसा था बाइंग के साइड में, बाकी सब कुछ FIS प्रो DIS सारे के सारे सेल में थे, बट व्यू जो था वो था कि हाँ फास्ट हाफ सेलिंग के साइड रहना चाहिए, बट क्या ही कर सकते हैं, फास्ट हाफ बाइंग के साइड रहा तो हम बाइंग के साइड हो गए राइट, एंड सेकेंड हाफ फ्री टेल सेकेंड हाफ नीचे के साइड रहा तो हम सेलिंग के साइड भी हो गए। चलिए देखते हैं कल के दिन हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या प्लान बना सकते हैं। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अप्रिसिएट थोड़ा सा कर लीजिए एंड कमेंट कर लीजिए, ठीक है। आज लाइक बनना चाहिए, आप लेवल की वजह से बनना चाहिए, 500 लाइक आज होना चाहिए, ठीक है जी। देखिए निफ्टी का मैं बहुत सिंपल से आपको समझा देता हूं, कल भी मैं आपको समझाया था, ये ट्रेंड लाइन के बारे में बात कर रहा था, थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे पिक्चर को देख ले। देखिए ये जो निफ्टी है ये ट्रेंड लाइन को टच कर रहा था, फिर ऊपर नीचे आ रहा था, फिर टच करके फिर ऊपर आया, फिर यहां तक आया। और कल ही आपको याद है, जो लोग वीडियो देखें यार प्लीज लाइक करो, एनालिसिस पॉइंट टू पॉइंट रहा। कल मैंने क्या बताया था, अगर निफ्टी यहां तक आया ना तो बाय करना बोल के, अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाना इसको तोड़ा तो सेल करना। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली निफ्टी ने क्या क्या सपोर्ट लिया और कल हम इस ट्रेंड लाइन के बारे में बात कर रहे थे। एग्जैक्टली मैं ड्रॉइंग भी चेंज नहीं किया हूं कल का, और आप देख सकते हैं निफ्टी टच किया टच किया टच किया एंड फाइनली जाके ब्रेक किया और वहां से कंटिन्यूसली हमें सेलिंग देखने को मिला। तो आई होप आपको एंजॉय किए होंगे। तो कल के लिए हमारा प्लान क्या रहना चाहिए, देखिए निफ्टी इतना बड़ा जो ट्रेंड था अभी ऊपर का ट्रेंड था वो क्या कर चुका है, चेंज कर चुका है राइट। निफ्टी का ट्रेंड अभी कहीं ना कहीं सेलिंग के साइड हो चुका है, तो हमें कल क्या करना, देखिए निफ्टी आया नीचे आया, एक पुल बैक मारा, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा पुल ऐसे करके ऊपर आ रहा है, तो ये हमें बाय नहीं करेंगे, इस प्लेस पर हम बाय नहीं करेंगे, हम कल भी सेलिंग के लिए ही सोचेंगे। और कल मेरे व्यू निफ्टी के लिए स्लोली स्लोली सेलिंग का है, मैं आपको अगेन बता देता हूं, कल मेरे व्यू निफ्टी के लिए स्लोली स्लोली सेलिंग का ही रहेगा राइट, न्यूट्रल टाइप का रहेंगे। सो हम कर क्या सकते हैं, देखिए सिंपल सा बात है, निफ्टी यहां पे क्लोज हो रहा है, तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग हो गया, ध्यान से सुनिए, कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग हो गया, फिर थोड़ा गैप ओपनिंग हो गया और 15,693 या फिर 15,680 इसके आसपास अगर घूमने लगा और यहां से अगर फिर से रिवर्स मारने लगा ना, छोटा सा स्टॉप लॉस देना बस, मतलब 15,680 के आसपास अगर चला या निफ्टी और यहां से रेड कैंडल बनने लगा तो इसके हाई के ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस देके यहां पे आप सेल कर सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि नीचे आया पुलबैक मारा, यहाँ पे सेलर नहीं थे, अगेन एक्टिवेट हुए और सेलर मार्केट को नीचे लेके आए, तो यहाँ पे लास्ट स्विंग है और इसके ऊपर जाएगा तो बाय मत करना, क्योंकि अचानक से सेलिंग प्रेशर आया है तो मार्केट को ऊपर जाने में थोड़ा दिक्कत आएगी, बट सेलिंग के साइड हम ट्रेड करेंगे डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा। तो ऊपर गया निफ्टी, यहाँ पे टच करेगा डेफिनेटली आप सेल कर सकते हो, ध्यान से सुनना, आज ड्राइंग मैंने अलग बनाया, यहाँ पे गया तो यहाँ से सेल करना राइट। अगर निफ्टी कल थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो गया 15,566 के नीचे गया तो सीधा टारगेट 15,500 तक ही रहेगा। आई होप आपको निफ्टी का व्यू पता चल गया, बाई के लिए कुछ व्यू नहीं है कल के लिए। तो बैंक निफ्टी के लिए हम देखते हैं, देखिए बैंक निफ्टी कितना इंटरेस्टिंग है और बहुत स्मूथली प्राइस एक्शन को फॉलो किया है, यहां पे मैं आपको समझा देता हूं। देखिए बैंक निफ्टी क्या किया, ऊपर गया और ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये जो ग्रीन कलर का मैं ट्रेंड लाइन बना के रखा हूँ, देखिए बैंक निफ्टी टच कर रहा है, नीचे आ रहा है, फिर टच कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है। आज देखिए जिस पॉइंट से गिरा मार्केट, यही ट्रेंड लाइन को टच करके बहुत अच्छा खासा गिरा बट आया। तो सिंपल बैंक निफ्टी में हम कल क्या कर सकते हैं, देखिए 35,000 का जो लेवल है ना, अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है राइट। इसके ऊपर समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ,
ना ऐसे तो नहीं होगा, बट समझ लीजिए फ्लैट ओपनिंग हो गया, फिर ऊपर मूव करने लगा 35,000 के ऊपर, प्लीज बाय मत करना। कब तक बाय मत करना? जब तक 35,223 नहीं टूट जाता। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी तो ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा लेकिन ऊपर आएगा, और ये जो ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, यहां से देखिए मैं मार्क करके रखा हूं 1 2 3 4 अगेन 5th time आएगा और इसको टच करके अगेन डाउन साइड मोमेंटम देगा, नहीं तो 35,000 के आसपास डेफिनेटली यहां से डाउन साइड मोमेंटम देगा। तो सिंपल, कल अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है और 35,000 के आसपास डाउन साइड मोमेंटम दिखाने की कोशिश करता है, यहां से हम सेल करेंगे, डेफिनेटली मैं फ्री में लेवल दे दूंगा, राइट। अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होगा 34,556 के नीचे आता है तो सेल, टारगेट 34,400, एंड 34,400 टूटा तो सीधा 34,130, राइट। आई होप आपको सब कुछ वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे से कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए, अपने मम्मी पापा को बहुत सारे प्यार दीजिए। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इतने सारे प्यार देने के लिए, प्लीज 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 अपने मम्मी पापा को प्यार दीजिए, उनको खुश रखिए। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, थैंक यू सो मच।